नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू। आज की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से। खबरों में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की पहली और बड़ी खबर लेकर के आ रही है अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से पूजित अक्षत 1 जनवरी से झारखंड में पहुँचेगा घर घर। BHP का बहुत ही बड़ा प्लान। विश्व हिंदू परिषद यानी कि BHP झारखंड प्रांत कार्यकारिणी की बैठक हरमू रोड स्थित प्रांत कार्यालय में कार्याध्यक्ष तिलक राज मंगलम की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए तिलक राज मंगलम ने कहा कि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जन जन के मन में बसे हुए हैं। विश्व के संपूर्ण हिंदू समाज के लिए भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अविस्मरणीय सहयोग का क्षण होगा। हिंदू समाज के लिए भारत की संपूर्ण भुगदरा अयोध्या एवं प्रत्येक मंदिर श्री राम मंदिर ही होगा। उन्होंने कहा कि समस्त हिंदू समाज अपने अपने निकटतम मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान के साथ अपने अपने घरों में दीपोत्सव के लिए 22 जनवरी के शुभ दिवस की प्रतीक्षा में है। नजर की आज से घर घर पहुंचेगा पूजित अक्षत। नए वर्ष की उत्साह के साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई, गोवा, कश्मीर समेत देश भर में नए साल का जश्न मनाया गया। लोगों ने कुछ इस तरीके से किया जश्न का स्वागत, नए वर्ष का स्वागत। बजले की महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में नए वर्ष की बहुत ही उल्लास और जश्न के साथ नए वर्ष का स्वागत किया गया। नए वाहन दुर्घटना कानून के विरोध में लगाया जाम, दोनों तरफ वाहनों की लगी कतार, यात्री हुए परेशान। बजाय के नए वाहन दुर्घटना कानून के तहत दुर्घटना करने वाले वाहन चालक के खिलाफ सजा में कैद की अवधि बढ़ाने तथा मोटा जुर्माना लगाने के विरोध में 31 दिसंबर की प्रातः 8 बजे एटा NH 91 पर गांव उमरापुर के पास ट्रक एवं अन्य वाहनों के चालकों ने जाम लगा दिया, जिसमें दो तरफ वाहनों की कतारें लग गई। कड़कड़ाहट ठंड में बसों में बैठे यात्री परेशान हो गए। 2 घंटे बाद कोतवाली पुलिस द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद जाम खोला गया। इसके बाद कासगंज रोड पर सरदला नाले के ऊपर से जा रही बाईपास पर प्रातः 10 बजे पुनः जाम लगा दिया गया। इसे पुलिस ने 30 मिनट में खुलवा दिया। तो दूसरी ओर LPG सिलेंडर के दाम घटे, आज मिला नए साल का छोटा गिफ्ट। 1 जनवरी 2024 से एक नया साल का आगाज हो चुका है और LPG सिलेंडर के दाम में कटौती देखने को मिल रहा है। ऑयल मार्केटिंग में कंपनियों ने LPG सिलेंडर के आज नए रेट जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2024 से LPG सिलेंडर सस्ता होने जा रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज मामूली बदलाव किया गया है, जबकि घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2024 यानी इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी साल होने के कारण एक बड़ी कटौती की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 2019 में पेट्रोलियम कंपनियों में घरेलू LPG उपभोक्ताओं को नए साल का गिफ्ट दिया था। 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 120.50 रुपये कम कर दिए गए थे। दिल्ली में सिलेंडर 809.50 रुपये बिक रहे हैं, वही 689 रुपये पर आ गया है। सस्ता LPG सिलेंडर DA से ITR तक 1 जनवरी से बदल रहा है कुछ नियम। इस बार ऐसा नहीं हुआ कि कमर्शियल सिलेंडर के रेट आज तो कम हुए हैं, वह नए साल के गिफ्ट के रूप में ट्रॉफी है। दिल्ली में आज 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 1,755.50 रुपये बिक रहा है। इससे पहले वह 1,757 रुपये बिक रहा था। आज केवल 1.50 रुपये सस्ता हुआ है सिलेंडर। तो ऐसी ओर ब्लैक होल के खुलेंगे रहस्य। आज नए साल पर इसरो लॉन्च करेगा एक्सपोस्ट ST सैटेलाइट। साल के पहले दिन आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक्सपोस्ट सैटेलाइट लॉन्च कर इतिहास रचेगा। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से सुबह 9:10 पर लॉन्चिंग का समय निर्धारित किया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। आज श्रीहरिकोटा से अनुसंधान कंपनी इसरो के द्वारा एक्सपोस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बनेगा भारत। एक्सपोस्टेड ब्लैक होल के रहस्य का पता लगाएगा। दरअसल वेधशाला को एक्सपोस्ट या एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट कहा जाता है। ब्रह्मांड की खोज में एक साल में से भी कम समय में यह भारत का तीसरा मिशन है। बीते साल चंद्रमा पर पहुंच चुका भारत 2024 की शुरुआत ब्रह्मांड और इसके सबसे अस्थायी रहस्यों में से एक यानी ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाने में महत्वाकांक्षी प्रयास करने की कोशिश में है। देश एक उन्नत खगोल विज्ञान वेधशाला लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है।
जिसको लेकर के विशेष रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों के अध्ययन के लिए तैयार किया गया है। तो ऐसे नए साल का पहला दिन देश में कड़ाके की ठंड, IMD पहले ही देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड और चंडीगढ़ में घने कोहरे पर अलर्ट जारी कर चुका है। चले कि इसको लेकर के बहुत ही भारी अलर्ट किया गया है। लगातार कोहरे पड़ते हुए लगातार ठंड की बढ़ देखने को मिल रही है। चले कि आज कल में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। कई राज्यों में हल्की तरह के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश होने के बाद लगातार ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नए साल पर कल बंद रहेंगे स्कूल। जनवरी महीने में स्कूल छात्रों को कितनी मिलेगी छुट्टियां। साल 2023 के बाद दुनिया साल 2024 का स्वागत कर चुकी है। वहीं दिनों उत्तर भारत के ज्यादा राज्यों के स्कूलों में विंटर लोकेशन चल रही है। ऐसे में उसके छात्रों ने अभी से ही नए साल की छुट्टियां का कैलेंडर देखना शुरू कर दिया है। बता दें कि जनवरी 2024 में स्कूली छात्रों को खूब छुट्टियां मिलने वाली हैं। वहीं कई राज्यों में साल की शुरुआत में ठंड बढ़ने सकती है, जिसमें सर्दियों की छुट्टियाँ स्कूल प्रशासन आगे बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं जनवरी महीने में कितनी मिलने वाली छुट्टियों की पूरी जानकारी। भेजा जाए कि कुछ राज्यों में स्कूलों के छात्रों की छुट्टियाँ नए साल से शुरू हो चुकी हैं। 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत हो चुकी है, मौके पर छुट्टी मनाई गई है। राज्य में स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा ज्यादातर राज्यों में 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक विंटर वेकेशन की घोषणा की गई है, इसलिए साल की शुरुआत छुट्टियों से होगी। दिल्ली सरकारी से अब विंटर वेकेशन के लिए स्कूलों में 1 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक बंद रहने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक लगभग 15 दिनों के लिए छात्रों को विंटर वेकेशन दिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अगर तापमान में सुधार हुआ और धूप निकलने की संभावना है तो कई राज्यों में दूसरे हफ्ते में स्कूल खुले रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 14 जनवरी 2024 तक छुट्टियां रहेंगी। इसके बाद तीसरे हफ्ते में लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर स्कूल बंद रहेंगे और गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं। झारखंड में कोहरे के बीच नए वर्ष की हुई शुरुआत। मौसम बदल रहा है, कल से हो सकती है बारिश, बादल छाए रहेंगे। रांची में सोमवार को नए साल की सुबह घना कोहरे को देखने को मिल रहा है। दिन में आसमान साफ रहेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी। 2 जनवरी से रांची समेत पूरे झारखंड का मौसम एक बार फिर बदलने लगा है। पूरे राज्य में बादल छाएंगे। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के पश्चिमी, मध्य व दक्षिणी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं दूसरे पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। ऐसी स्थिति में 2 से 6 जनवरी तक बनी रहेगी। कई जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम 13 से 14 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं दूसरी ओर जिले में 560 डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। डीलर ने किया राशन कार्ड का उठाव, लेकिन 2582 क्विंटल गेहूं और चावल का वितरण नहीं हुआ। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन झारखंड के आह्वान पर सोमवार यानी कि 1 जनवरी से आज से जिले भर के 560 डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। डीलर के अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से राशन वितरण करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इधर जिले भर के डीलर दिसंबर माह के राशन तो उठाव कर लिए हैं, लेकिन 13,687 लाल कार्ड व अन्य कार्डधारियों के बीच जिले भर में 2582 क्विंटल गेहूं व चावल का वितरण अभी भी नहीं किया जा सका है, जबकि दिसंबर माह समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी ओर नई शिक्षा नीति का इफेक्ट। नए सत्र में 166 स्कूल अपग्रेड होंगे। हर पंचायत में 1+2 स्कूल खुलेगा। नए साल में राज्य के विश्वविद्यालयों के संबंध में 92 इंटर कॉलेज बंद हो जाएंगे। अब अगले सत्र में यहां एडमिशन नहीं होगा। ऐसे में मैट्रिक और दसवीं पास छात्रों के लिए राज्य सरकार 166 स्कूलों को +2 स्कूलों में अपग्रेड करेगी। तो ऐसे वो मस्ट जाएंगी भारतीय हॉकी टीम। सिमडेगा जिले के 4 खिलाड़ी का हुआ टीम में चयन। ओमान के मस्ट में आयोजित FIH हॉकी 5-साइड विश्व कप 2024 के लिए भारतीय पुरुष और महिला टीम की आज हॉकी इंडिया ने घोषणा की है, जिसमें 10 सदस्यों की भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल टीम में झारखंड सिमडेगा की दीपिका सोरेन को भी शामिल किया गया है।
नए जोश और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत। आज डैम पार्क में मनेगा नववर्ष का जश्न। सादे लिबास में अलर्ट रहेगी पुलिस। एसएसपी बोले नशे में गाड़ी चलाई तो होगी कार्यवाही। नए साल की पूर्व संध्या पर रांची वाले जमकर थिरकेंगे। शाम ढलते ही लोगों की चरक कंदमी बढ़ गई है। होटल रेस्टोरेंट बार और क्लबों में न्यू ईयर नाइट की धूम रही है। रविवार को रात्रि में होटल रेस्टोरेंट में लगी घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर गई, लोगों ने एक साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। ऐसे में झारखंड प्रशासन भी बहुत ही टाइट है और यहाँ पे सादे ड्रेस में हर जगह पुलिस तैनात रहेगी ताकि भीड़भाड़ और को देखती रहे। साल का पहला दिन होने जा रहा है खास। नए साल के पहले दिन ही जन्म लेंगे 1 दर्जन बच्चे। शहर के अस्पतालों में 23 गर्भवती भर्ती। नए साल का पहला दिन खास होगा। जहाँ पूरा शहर नए साल का जश्न मना रहा होगा, वहीं कुछ घरों में किलकारी भी गूंजेगी। राजधानी में सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में 23 गर्भवती महिलाएं भर्ती हैं जिनकी डिलीवरी 2-3 दिन के अंदर होने जा रही है। तो फिलहाल ही खबरों में बस इतना ही है। थी आज की तमाम बड़ी खबर जो सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। तो मेरे पसंद की खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।